close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase and leave. Western Express Highway, Gundavli से, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से छोटा कश्मीर. मैं आपको बताऊँ छोटा कश्मीर के बारे में. सो छोटा कश्मीर में एक लेक है, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, और साथ ही साथ में आपको एक गार्डन भी मिलेगा जहाँ पे काफ़ी सारे लोग टिकटॉक या रील्स बोल सकते हो वो सारी चीज़ें बनाते हैं, और काफ़ी पीसफुल जगह है. आप चाहो तो चाइनीज़ भी खा सकते हो, इंडियन चाइनीज. एंड लोग ऑन माय वे है. बात आप ज़रूर ध्यान रखिए गाइस, जैसे आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, सो ये मेट्रो स्टेशन है, ये न्यूली बना हुआ मेट्रो स्टेशन है. तो अगर आप चाहो तो आप लोग इंस्टेड ऑफ जैसे हम लोग अभी बाइक पे जा रहे हैं, तो आप मेट्रो से भी जा सकते हो. वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे या फिर कुंडवली एक ही मेट्रो स्टेशन है, आप डायरेक्टली जो है यहाँ से जा सकते हो. सो अगर मैं मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो आपको आरे कॉलोनी या आरे नाम से एक मेट्रो स्टेशन है, ऐसा ही मेट्रो स्टेशन होगा. तो आप वहाँ पे उतर सकते हो. तो वहाँ पे अगर आप उतरोगे तो आप वहाँ से आपको जो है या तो आप जा सकते हो या वॉकिंग जा सकते हो. 15 मिनट्स का रास्ता है, या 10 मिनट्स में भी अगर आप फास्ट वॉकिंग करोगे तो आप पहुँच जाओगे. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what. ये रास्ता है जहाँ पे आप लोग अगर एंटर करोगे तो सीधे सीधे आप अगर जाओगे तो आप छोटा कश्मीर पहुँच जाओगे. सो बस स्टॉप भी है यहाँ पे, बसेस भी आती हैं यहाँ पे काफ़ी सारी. अगर आप लोग बस चाहो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बस यहाँ से आती है. तो आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ ऑटोज भी आते हैं, यहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती है, और ये बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ अंदर लोग भी रहते हैं. और अगर किसी को नेचर से बहुत अच्छा लगता है या किसी को फार्म हाउस वगैरह लेना है तो वो लोग ये देख सकते हैं. बट ये भी एक पार्ट है उसका, यहाँ पे आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह भी दिख जाएंगी. यस, देखो कितना मस्त एक्सॉटिक व्यू है, मिस नहीं करना चाहोगे आप लोग. ये है वो जगह, और यहाँ पे डॉगी भी है काफ़ी सारे आई थिंक. और ये यहाँ पे बोटिंग होती थी पहले, बट अभी शायद ये बंद हो गया है. एक्चुअली में हमारे साथ में मोए मोए हो गया है शायद यहाँ पे. ये आप देख सकते हो ये लेक है यहाँ पे. हाँ, बहुत बड़ा लेक है. एंड ये इसकी ग्रिलिंग थोड़ी सी टूट गई है यहाँ से, बट ये है बहुत ब्यूटीफुल. और यहाँ पे बोटिंग भी होती थी पहले, अभी आई गेस यहाँ पे बोटिंग बंद है, बट पहले यहाँ पे बोटिंग भी होती थी. और आप वहाँ पे देख भी सकते हो काफ़ी सारी बोट जो है वो पार्क्ड है. यहाँ पे आपको पार्किंग करने के लिए भी काफ़ी सारी जगह है, और ये उसका एंट्रेंस है. और वहाँ पे आप 100 रुपीज़ में बोटिंग कर सकते हो, और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है. तो अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है ये. ये आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आप लोग ने सुना भी होगा न्यूज़ में कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है, तो ये ही है वो जो मेट्रो बन रहा है. आप लोग देख सकते हो, वर्क इन प्रोग्रेस है. मे बी शायद बहुत जल्दी हमको देखने भी मिलेगा. यहाँ पर ये सर्कल है, हमने ये जगह के बारे में बहुत सुना था कि यहाँ पर काफ़ी ओरिजिनल जो है तबेले से, जैसे आप पीछे देख भी सकते हो पीछे तबेला है. तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की, और ये है वो जगह जहाँ पे लस्सी दूध दही जो भी आप चाहे वो आपको मिलेगी. तो चलिए टेस्ट करते हैं कैसे. इनके पास ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, तो आप लोग को कैश कैरी करना पड़ेगा, और ये सारे ऑप्शन हैं. तो इसमें से मैं मलाई लस्सी लेने वाला हूँ, और देखते हैं उसका टेस्ट कैसा होगा. हम लोग अभी जो है
लस्सी पी के निकल चुके हैं, और जैसे आप देख रहे हो कि ये हम लोग ने गाड़ी नहीं चालू की है, ये पेट्रोल बचाने के लिए है। सेव पेट्रोल, सेव एनर्जी, सेव प्लैनेट। और आप रास्ता देख सकते हो, इतना स्मूथ है कि हमको बिना गाड़ी चालू किए ही हम लोग जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम चल रहे हैं, और कोई इशू नहीं है। नाइस, इज इट नाइस? सी, ऐसे आप शायद ड्रीम करते होंगे कि ऐसी सनलाइट आ रही है और ये इतना ब्यूटीफुल जगह है। हाँ, ये इंडिया ही है और ये बॉम्बे में ही है, गोरेगांव में। ये जगह है वो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई हेरिटेज और हिस्टोरिकल प्लेस होती है बहुत टाइम से, वैसे कुछ लगती है ये। और इजीली आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। ये जो है वो गार्डन है, गार्डन एरिया का बाहर से कुछ ऐसे दिखता है, एंड इसका एंट्रेंस मैं आपको बताता हूँ कैसा दिखता है। ये एरिया है, मतलब अगर आप लोग आ रहे हो गाड़ी से, कार से, सो आप लोग यहाँ पे पार्क कर सकते हो, इवन ऑटोज़ का भी एक्सेस है यहाँ पे, आपको कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो जगह है जो मेरी बहुत फेवरेट है चाइनीज़ के लिए, बहुत अच्छा चाइनीज़ मिलता है। एंड ये है उस गार्डन का एंट्रेंस, गार्डन आप लोग देख लो अंदर से, मैं अभी आपको और दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंटर किए हैं, 10 रुपीज़ टिकट है जो आपको यहाँ से मिल जाएगी। एंड ये वो जगह है, सो ये आई डोंट नो कैक्टस जैसा दिखने वाला झाड़ है, बट इसमें कांटे तो है नहीं, और इतना बड़ा है ये, जायंट है एकदम। बट ये काफ़ी रोमांटिक जगह है। ये है वो जगह, फ्लावर्स आप लोग देख लो, और यहाँ का व्यू देखो। मैं आपको वहाँ जाके, जो वहाँ पे लोग काफ़ी सारे हैं, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। सो लेट्स गो। इन्होंने शायद ताजमहल बनाया था, इनका हाथ नहीं रहा। अब टी ऑफ जगह है यहाँ पे, ये पूरा एरिया खाली है। इवन हम लोग संडे के दिन आए हैं, बट स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पीसफुल है, और अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो तो आपको आवाज़ भी आएगी यहाँ पे। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास खुद की कार हो या बाइक हो, या आप लोग ऑटो से ट्रैवल करते हो, तो आप लोग ज़रूर बारिश के सीज़न में यहाँ पे आना, बिकॉज बारिश के सीज़न में ये पूरा वाटरफॉल यहाँ से होता है, और ये बहुत अच्छा दिखता है दिखने में भी, विजुअली भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक, और काफ़ी ग्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे हुए। इवन कोई यहाँ पे रिस्क नहीं है, यानी कि कोई ज़्यादा सांप या ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ काफ़ी मेंटेन रखा गया है इस एरिए को। लोग यहाँ से बाहर के साइड जा रहे हैं, ये रास्ता है, एंड वो आप लोग ऊपर देख सकते हो, वो टॉयलेट है, लग बिल्कुल एकदम कॉटेज या फिर फार्म हाउस जैसा लग रहा है, बट वो टॉयलेट है गाइस। एंड ये बाहर निकलने का रास्ता है। सो नेचुरली यहाँ पे एक पाथवे बना है, आप जैसे देख सकते हो कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर चलने का रास्ता बनाया, बट ये ऑटोमेटिकली नेचर की तरफ से ही है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग फ़ोटोशूट के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, सो आप लोग ज़रूर आना यहाँ पे। एज़ आई कैन से, जस्ट मेरे ये बोलते ही आप लोग देख सकते हो सामने ऑलरेडी किसी का फ़ोटोशूट चल भी रहा है यहाँ पे, कैमराज भी है, लाइट्स भी है। आई वॉन्ट से कि आप लोग यहाँ पे अपने प्री वेडिंग शूट्स या ऐसे कोई बड़े शूट्स कर सकते हो, बट येस, प्लेंटी ऑफ स्पेस है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे आप लोग शॉट्स भी ले सकते हो, जैसे ये लोग ले रहे हैं। आप लोग भी आके अपने लिए फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। आप लोग गार्डन से बाहर आओगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी का खाना, और स्पेशली चाइनीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर कैसा है चाइनीज़। काफ़ी सारा आपको यहाँ पे चिकन का आइटम मिल जाएगा, इवन वेज का ऑप्शन भी है, वेज मंचूरियन सूप है, एंड स्टार्टर और स्नैक्स भी मिल जाएंगे आपको। सो काफ़ी अफोर्डेबल है।
मंगवाया था फ्राइड राइस और चिकन क्रिस्पी। सो आप लोग भी आइए यहाँ का खाना ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को यहाँ का खाना कैसा लगा। मुझे तो बड़ा पसंद आया।